बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा जोनस पूरे 3 साल बाद भारत आई थी। इस दौरान प्रियंका ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का भी दौरा किया। बता दें कि प्रियंका यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर हैं और उत्तर प्रदेश में बच्चों की शिक्षा में सुधार का स्तर, स्वास्थ्य, पोषण और तमाम तरह की सुरक्षा उपायों की स्थिति और उनकी पहुंच के स्तर को देखने निकली थी। इस दौरान वो महिलाओं पर होने वाले अत्याचार और यौन उत्पीड़न की शिकायतों को दर्ज कराने के लिए 1090 हेल्पलाइन के कंट्रोल रूम पर भी कहीं। यहां उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बातचीत की, जिसका वीडियो प्रियंका ने अपने सोशल मीडिया साइट पर भी साझा किया। गुरुवार को प्रियंका चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से यूपी विजिट से जुड़ी कई सारी वीडियोज और फोटोज साझा किए। एक वीडियो में प्रियंका महिला पुलिस अधिकारी से कहती नजर आ रही हैं कि मुझे उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के बारे में बताइए, मैं खुद भी यहाँ पली बढ़ी हूँ। ये हमेशा एक डर का माहौल होता है, खास करके शाम 7 बजे के बाद। प्रियंका की बातें सुनकर पुलिस अधिकारी उन्हें कॉल ट्रैकिंग यूनिट के कामकाज को दिखाने के लिए अंदर ले जाती हैं। इस दौरान क्या कुछ होता है, वीडियो दिखाते हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, जैसे स्टेट में, मैं भी लखनऊ में पढ़ी, मतलब एक फियर तो बहुत ज्यादा होता है। कॉल टेकिंग यूनिट ट्रेनिंग होती है, दे आर ऑल सर्टिफाइड एंड देन दे वर्क राउंड द क्लॉक। लेकिन आपको लगता है कि डिजिटाइजेशन के बाद मतलब पुलिसिंग इजियर हो गई है ना, स्टेट लाइक यूपी स्पेशली, जहाँ पे ऑब्वियसली लड़कियाँ मतलब डरती थी और वायलेंस अगेंस्ट लड़कियाँ काफ़ी था, बट डिजिटाइजेशन के साथ आपको लगता है कि बिकम इजियर टू बी? डेफिनेटली, देखिए प्रियंका जी, आई हैव बीन इन द सर्विस फॉर मोर देन 30 इयर्स। हां, वही मैं बोल रहा हूं, मैंने ऐसी पुलिसिंग भी की है जहां पर की थाने पर हम बैठ करके एक एक को भेजते थे, जाओ भी जाकर के देख करके, और अभी ये भी देख रहे हैं। बट टेक्नोलॉजी अलोन इज नॉट द सोल्यूशन, मैनुअल पुलिसिंग अलोन इज नॉट द सोल्यूशन। वेन वी जेल द टू, दिस इज अ डेडली मिक्स। सी आप में हर जगह, हर एरिया में सी एप चल रहे हैं, वहां के जो 25-30 जो वहां के प्रभुत्व लोग हैं वो लोग उस पर जुड़े हुए हैं। तो वी आर कनेक्टेड विद सोसाइटी इन एवरीथिंग, ऑल टेक्नोलॉजी। इट्स अगर यहाँ से हम फोन करेंगे, पहले कंट्रोल रूम होता था, आप फोन करिए, हाँ भाई गाड़ी कहाँ पहुंची, भेज दो, ये करो, ये उसकी अपनी जगह है जहाँ वो आकर के अपनी बात बोल सकती है, उसको कोई डर नहीं है। थाने में जाएगी तो वहाँ